गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व स्तनपान सप्ताह का प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन ने किया शुभारंभ। कहा माँ का दूध ही बच्चे की है सबसे बड़ी दवाई। बकरीद पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी व एसएसपी ने महानगर के विभिन्न क्षेत्रों का किया भ्रमण। सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। कहा सबके सहयोग से सकुशल संपन्न हुआ बकरीद का पर्व। शनिवार को ईद उल अजहा बकरीद का मनाया गया त्योहार। मस्जिदों में नहीं पढ़ी गई नमाज। कोरोना को देखते हुए लोगों ने अपने घरों में रहकर ही पढ़ी नमाज। सुरक्षा के व्यापक रहे इंतजाम। भड़काऊ बयान देने और धार्मिक भावना भड़काने के आरोप में पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व विधायक डॉक्टर अयूब को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लखनऊ के हजरतगंज थाने में दर्ज है मुकदमा। संयुक्त पुलिस कमिश्नर ने बताया डॉक्टर अयूब पर दर्ज है कई आपराधिक मुकदमे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का डीएम और एसएसपी ने किया निरीक्षण। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के नागरिकों को किया राहत सामग्री का वितरण। नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई विद्युत विभाग के अधिकारियों की बैठक। नगर विधानसभा क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ करने के दिए निर्देश। एडीएम सिटी और सीडीओ ने सहजनवा और सदर क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण। बाढ़ से प्रभावित गाँवों में राहत सामग्री बांटने के दिए निर्देश। और गोरखपुर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते जा रहे मामले। शनिवार को 137 पाए गए नए मरीज। जिले में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 2262। एक्टिव केस 1276। मरने वालों की संख्या हुई 52। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने दी जानकारी।